एवरी वन वेलकम बैक टू डी कोड आई आई टी जहाँ पे हम मैथमेटिक्स को डिसकस कर रहे हैं फॉर आई आई टी जेई क्लास नाइन्थ फाउंडेशन का कोर्स है ये एंड दी लेक्चर आर इन बहुत हिंदी एंड इंग्लिश एंड इफ यूर व्यूंग दिस ऑन यूट्यूब प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अर चैनल and also recommend this channel to your fellow classmates as well With this, we also conduct offline uh, you know classes in raipur chhattisgarh uh, where we have our center for more such uh, you know more details about the course you can uh, call us at 7724886251 correct uh, so my name is bhishma tahiliani and i am here to teach you physics and i am a graduate from iit mandi so let's begin As last lecture is the demo lectures that दिस इज़ अ लास्ट डेमो लेक्चर फॉर मैथमेटिक्स की भी नंबर सिस्टम्स अब आज हम ख़त्म कर देंगे इसी के साथ दिस इज़ अ लास्ट लेक्चर फॉर नंबर सिस्टम्स और लास्ट uh, लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज किस टाइप से करते हैं राइट तो हमने मैंने आपको एक हिंट दिया था कि जब भी जो फ्रैक्शन होता है जैसे मान लो ये है टू बाई रूट थ्री है ना तो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम रैशनलाइज कैसे करते हैं मतलब इसको हम रैशनल नंबर कैसे बनाते हैं करेक्ट तो मैंने आपको बताया था कि हम इसको एसेंशियली क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये है जैसे ये वाला एग्जाम्पल है टू बाई रूट फोर्टीन सो टू बाई रूट फोर्टीन में अगर मेरे को डिनोमिनेटर जो है मतलब ये रूट फोटीन इसको अगर मेरे को रैशनलाइज करना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको इस टाइप से लिखूंगा कि टू बाई रूट फोर्टीन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज टू बाई रूट फोरटीन इंटू वन है ना इंटू वन वन से मल्टीप्लाई करके कोई भी चीज़ सेम ही आती है राइट right? तो मैं वन को क्या लिखूंगा मैं वन को बेसिकली वट आई एल डू इज आई एल राइट इट एज रूट फोर्टीन डिवाइड बाई रूट फोर्टीन है ना तो मतलब मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हों तो ये जो है ये एक रैशनल नंबर आ जाए है ना अब रूट फोर्टीन इंटू रूट फोर्टीन फोटीन होता है तो ये रैशनल नंबर आ जाएगा सो दिस वुड बी इक्वल टू टू रूट फोर्टीन डिवाइड बाई फोर्टीन दैट इज़ यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा रूट फोर्टीन डिवाइड बाई सेवन ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि जब भी हमको रैशनलाइज़ करना होता है मतलब डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना होता है तो हमको कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी वो सेम सेम चीज़ न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे आप और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये कैंसिल होगे वन हो, हो जाए और फ्रैक्शन हमारा सेम रहे तो हमको कुछ ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करनी होती है जैसे कि डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल नंबर आ जाए जैसे मैंने यहाँ पे या, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था रूट फोर्टीन था तो रूट फोर्टी से अगर मेरे को रैशनल नंबर बनाना है तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँगा रूट फोर्टीन करूंगा तभी तो रूट हटेगा का है ना तो रूट फोर्टीन इंटू रूट फोर्टीन फोर्टीन हो गया करेक्ट अब आप बोलोगे चलो सर ठीक है रूट फोर्टीन तो समझ में आता है रूट फोर्टीन इंटू रूट फोर्टीन बट अगर कोई एनथ ऑर्डर का रेडिकल हो तो हम कैसे करेंगे बिल्कुल सही बात है तो अब भगवान ने आपको दिमाग दिया है वो हमको यूज़ करना है ठीक है तो लेट्स ये वाला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला इसमें तो नहीं है इसमें थर्ड ऑर्डर रेडिकल है, है ना अब इसको कैसे करेंगे सी तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि टू का टू इंटू थ्री क्यूब रूट करेक्ट डिवाइड बाय ट्वेंटी फाइव क्यूब रूट राइट अब आपको ये रैशनलाइज करना है है ना, ना आपको इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है आपको पता है कि ये क्या है ट्वेंटी फाइव का क्यूब रूट है राइट right? अगर मेरे को किसी क्यूब रूट को रैशनल नंबर बनाना है अगर मेरे को यहाँ पे किसी जैसे मान लो ये है इसको मेरे को कोई रैशनल नंबर बनाना है इस चीज़ को मेरे को रैशनल नंबर बनाना है तो एसेंशियली ये रैशनल नंबर कब हो सकता है जब ये जो अंदर वाला नंबर है ये एक्स ये किसी एक नेचुरल नंबर का क्यूब हो तभी हो सकता है ये है ना तभी तो हो सकता है तभी तो अगर हम इसका क्यूब रूट लें अगर एक्स का क्यूब रूट लें यहाँ पे है ना वन बाई थ्री करें तो ए क्यूब इंटू वन बाई थ्री आ जाएगा और ये एसेंशियली ए आ जाएगा है ना तो मतलब अंदर वाला जो डिजिट है दैट शुड बी अ क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर करेक्ट दैट शुड बी अ क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर तभी ऐसा हो पाएगा कि ये रैशनलाइज हो पाएगा है ना तो हमारा अभी गोल क्या है हमारा ये गोल है कि हमको नीचे क्या करना है हमको नीचे ऐसा कुछ बना देना है कि ये जो अंदर नंबर है ये क्या हो जाए ये क्यूब आ जाए किसी का अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ट्वेंटी फाइव है वॉट इज ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इज ठू फाइव इन टू फाइव करेक्ट फाइव का स्क्वायर है अगर मैं इसमें एक और फाइव मल्टीप्लाई कर दूँ मतलब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या जाएगा? 125 आ जाएगा वन ट्वेंटी फाइव आ जाएगा वन ट्वेंटी फाइव इज़ फाइव क्यूब है ना सिंपल है तो अगर मैं यहाँ किसी तरह अंदर वन ट्वेंटी फाइव ले आऊँ तो मेरा काम बन जाएगा करेक्ट तो आप मेरे को ये बताओ कि इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक्सपोनेंशियल की क्या थी वो प्रॉपर्टी कि अगर ए टू दी पावर एम इन टू बी टू दावर एम होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं ए बी टू पावर एम ये लिख सकते हैं करेक्ट यहाँ पे क्या है ये बेसिकली ये जो लिखा है ट्वेंटी फाइव क्यूब रूट ये क्या है ट्वेंटी फाइव टू दार वन बाई थ्री है करेक्ट अगर मैं इसमें फ़ाइव टू दार वन बाई थ्री को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा ना वन ट्वेंटी फाइव टू दावर वन बाई थ्री आ जाएगा राइट right? है ना ए टू दावर एम इंटू बी टू दावर एम इज इक्वल टू ए बी टू दावर एम राइट तो ट्वेंटी फाइव टू दी पावर वन बाय थ्री जो है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ फाइव टू दावर वन बाई थ्री से तो क्या जाएगा? 125 आ जाएगा वन ट्वेंटी फाइव टू दावर वन बाय थ्री आ जाएगा राइट इज दैट राइट है ना करेक्ट है अब जो ये चीज़ आ गई है ना अब ये चीज़ आ गई अब हमको पता चल गया कि ये जो है वन ट्वेंटी फाइव ये फाइव का क्यूब है तो दिस इक्वल टू फाइव फाइव क्यूब इन टू वन बाई थ्री दैट विल इक्वल टू फाइव है ना तो ये राशनलाइज हो जाएगा तो हम अब क्या करेंगे वट विल डू हम अब क्या करेंगे हम इसमें अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब हम इसमें ट्वेंटी फाइव क्यूब रूट है अब हम इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे फाइव क्यूब रूट से ऊपर भी फाइव क्यूब रूट से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी फाइव क्यूब रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम ऊपर नीचे फाइव क्यूब रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे भी वही ए टू द पावर एम इंटू बी टू पावर एम तो क्या हो जाएगा ए बी टू पावर एम तो टू इंटू क्यूब रूट ऑफ क्या आ जाएगा फिफ्टीन फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन डिवाइडेड बाय यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा नीचे क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव दैट इज़ वन ट्वेंटी फाइव का क्यूब रूट वन ट्वेंटी फाइव का क्यूब रूट क्या होता है फाइव होता है करेक्ट तो ये आंसर क्या आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ पंद्रह डिवाइडेड बाय फाइव समझ में आ रहा है क्लियर है कैसे रैशनलाइज किया हमको कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना होता है सच दैट ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाए वो एक रैशनल नंबर बन जाए सिंपल सी बात है हमको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को मतलब डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर बनाना है अब उसके लिए आपको इसमें जो मल्टीप्लाई करना कर पड़े आप करो बट वही सेम चीज़ आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि कैंसिल करना है ऊपर नीचे ठीक है अगर यहाँ पे रूट फोर्टीन है और अगर आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए रूट फोर्टीन से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को तो आप न्यूमरेटर को भी रूट फोर्टीन से मल्टीप्लाई करोगे समझ में आ रहा है रूट फोर्टीन को मतलब न्यूमरेटर को भी रूट फोर्टीन से मल्टीप्लाई करोगे तभी चीज़ें आ पाएंगी करेक्ट तभी चीज़ सही है तो मेथड समझ में आ गया क्या करना है हमको हमको जब भी कोई रैश डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ करना होता है तो हम क्या करते हैं हम डिनोमिनेटर को कुछ ऐसे चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं सच दैट कि ये जो डिनोमिनेटर है वो एक रैशनल नंबर बन जाए और सिमिलर चीज़ हम क्या करते हैं सिमिलर चीज़ हम नमोनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं करेक्ट समझ में आ रहा है ना लेट्स मूव अहेड और और दूसरे क्वेश्चन देखते हैं तो अब हम रैशनलाइजेशन देखते हैं मिक्स सर्च का तो मिक्स सर्च क्या होते हैं जैसे ये हमने पढ़ा था ना ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी या फिर ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी या फिर ए माइनस क्यूब रूट ऑफ बी ये इस टाइप के जो शर्ड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं मिक्स सर्ड्स ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में है ना तो जब भी हमको इनको रैशनलाइज करना होता है तो हम क्या करते हैं जैसे मान लो डिनोमिनेटर में है ए प्लस रूट बी तो इसका हम माइनस वाला पार्ट ले लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए क्योंकि मैंने आपको बताया था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है और हमको क्या है ये हटाना रहता है रूट हटाना रहता है यहाँ से है ना तो जब भी रूट बी का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा बी आ जाएगा तो वो हट जाएगा करेक्ट तो ए प्लस रूट बी का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है ए प्लस रूट बी का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है ए माइनस रूट बी तो जिस भी चीज चीज़ से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो वो बन जाता है उसका रैशनलाइजेशन फैक्टर रैशनलाइजेशन फैक्टर मतलब आप किस चीज़ से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो सच दैट कि जो डिनोमिनेटर है वो एक रैशनल नंबर बन जाए तो जैसे अगर मेरे को टू माइनस रूट फाइव को एक रैशनल नंबर बनाना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसको टू प्लस रूट फाइव से मल्टीप्लाई करूँगा सच दैट ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए और ये फोर माइनस फाइव आ जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस वन तो यहाँ पे जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है दैट वुड बी वॉड दैट वुड बी टू प्लस रूट फाइव मतलब टू माइनस रूट फाइव का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो क्या हो जाएगा टू प्लस रूट फाइव ठीक है समझ में आ रहा है तो लेट्स डू दीज टू क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ये डिनोम ये है एक फ्रैक्शन इसको रैशनलाइज़ करना है इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो क्या करोगे आप टू माइनस रूट फाइव है इसको रैशनलाइज़ करना है तो क्या करेंगे हम डिनोमिनेटर को टू माइनस टू प्लस रूट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे है ना और वही सेम चीज़ हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे टू प्लस रूट फाइव है ना ऊपर नीचे दोनों सिमिलर चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं सेम चीज़ से नॉट सिमलर सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है थेके? तो नीचे जब ये मल्टीप्लाई होगा ये और ये तो ये क्या आ जाएगा यह आ जाएगा अभी तो किया हमने टू स्क्वायर माइनस रूट फाइव स्क्वायर दैट इज़ फोर माइनस फाइव यह आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा टू प्लस रूट फाइव होल स्क्वायर है ना यही आ जाएगा टू प्लस रूट फाइव होल स्क्वायर यही आ जाएगा करेक्ट तो ये दिस वुड बी इक्वल टू 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 ज फोर प्लस फाइव प्लस टू ए बी फोर रूट फाइव राइट फोर रूट फाइव और यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर फोर माइनस फाइव दैट इज माइनस वन दैट इज इक्वल टू फाइव प्लस फोर नाइन माइनस नाइन प्लस फोर रूट फाइव करेक्ट समझ में आ रहा है ये हो जाएगा ये ये पूरा फ्रैक्शन जब हम इसको राशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा ठीक है सिमिलर एग्जाम्पल ये अटैम्प्ट करो ये वाला सेम एग्ज़ाम्पल है कैसे करोगे इसको अब इसमें क्या है रूट टू रूट टू माइनस वन है करेक्ट डिवाइडेड बाय क्या है रूट टू माइनस वन डिवाइड बाय रूट थ्री माइनस रूट फाइव करेक्ट इसको जब हमको रैशनलाइज करना होगा तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को इसी के प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ रूट थ्री प्लस रूट फाइव और सेम चीज़ क्या करेंगे सेम चीज़ न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री प्लस रूट फाइव तो क्या आ जाएगा एसेंशियली हमारा ऊपर आप आ, वो करो सिम्प्लीफाई करो तो रूट टू इंटू रूट थ्री करोगे क्या आएगा रूट सिक्स आ जाएगा फिर रूट टू इंटू रूट फाइव करोगे क्या आएगा रूट टेन आ जाएगा राइट right? उसके बाद क्या होगा माइनस रूट थ्री आ जाएगा उसके बाद माइनस रूट फाइव आ जाएगा नीचे क्या जाएगा? नीचे जाएगा आ जाएगा नीचे आएगा थ्री माइनस फाइव यह आ जाएगा माइनस टू समझ में आया कैसे कर रहे हैं तो ये हो जाएगा इसका रैशनाइजिंग फैक्टर ठीक है आर भी क्लियर ऑन दिस आगे बढ़ें चलो अब दूसरा एक कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ ये वही कंसेप्ट है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं जैसे कि ए प्लस रूट बी एक मिक्स सर्ड है है ना तो इसका कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है इसका जब हम ये जो साइन है ना ये प्लस वाला साइन इसको जब हम माइनस कर देते हैं तो हमने देखा था इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है ए माइनस रूट बी तो यही इसका कॉन्जुगेट भी है है ना ए माइनस रूट भी इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस रूट बी मतलब ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट भी आपस में कॉन्जुगेट है ना इनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट सर्च ठीक है कॉन्जुगेट मतलब इनके साइंस अपोजिट है है ना एक प्लस है ए प्लस रूट बी है और दूसरा ए माइनस रूट बी है तो दीज आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्च ठीक है क्या बोलते हैं इसको कॉन्जुगेट सर्च तो ये ध्यान रखना कि इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट सर्च ठीक है ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट सर्च समझ में आ गया तो ये चीज है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुकेट सर्ट्स अब ये इसमें एक चीज़ नोटिस करो और वो ये है नोटिस करने वाली क्या बात है ये नोटिस करने वाली कि ए प्लस रूट बी जो है ठीक है ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी ठीक है ए प्लस रूट बी है एक जगह और एक जगह ए माइनस रूट बी है इनका सम लेके देखो इसका सम कितना आएगा ए प्लस रूट बी प्लस ए माइनस रूट बी इनका सम कितना आएगा रूट बी रूट बी कैंसिल हो जाएगा तो इसका सम कितना आएगा टू ए आ जाएगा करेक्ट राइट टू ए आ जाएगा इसका सम टू ए आएगा कि नहीं आएगा बिल्कुल आएगा इसका डिफरेंस लेके देखो कितना आ रहा है ए प्लस रूट बी माइनस ए माइनस रूट बी ठीक है ये कितना आ जाएगा ए प्लस रूट बी माइनस ए प्लस रूट बी ए कैंसिल हो गया ये कितना आ जाएगा टू रूट बी आ जाएगा राइट right? तो डिफरेंस आप देख रहे हो कि सम तो एक रैशनल नंबर आ रहा है टू ए बट डिफरेंस रैशनल नंबर नहीं आ रहा है, है ना तो ये ध्यान रखना कि इसका जो सम होता है सम ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड्स इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर ये ध्यान रखना अब एक और चीज़ हम कर लेते हैं क्या प्रोडक्ट भी देख लेते हैं दैट इज़ ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस रूट बी ये तो हमने देखा था ये तो रैशनलाइजिंग फैक्टर ही होता है तो ये एक रैशनल नंबर ही आएगा दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा ये है ना दिस इज ऑल्सो अल्बर राइट तो एसेंशली क्या हुआ हम क्या बोल रहे हैं कि सम एंड प्रोडक्ट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड्स इज ऑलवेज अल नंबर समझ में आ रहा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड्स इज ऑलवेज अ वॉट इज ऑलवेज अल्बर राइट आर वी क्लियर ऑन दिस इट इज ऑलवेज अंबर ठीक है करेक्ट है समझ में आ रहा है करेक्ट है ये ठीक है इतना समझ में आया अब अगर इतना समझ में आ गया तो लेट्स डू दिस थिंग आप थोड़ा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ये जो थ्री प्लस रूट फाइव है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा थ्री माइनस रूट फाइव ठीक है इसका कॉन्जुगेट होगा थ्री माइनस रूट फाइव ये जो फाइव प्लस थ्री रूट सेवन है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा फाइव माइनस थ्री रूट सेवन तो बस जो प्लस है उसकी जगह हम माइनस कर देते हैं तो जो हमारा आ, आता है दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ठीक है तो इस, इसका कॉन्जुगेट मतलब ये आपस में कॉन्जुगेट सर्ट होते हैं सो फाइव प्लस थ्री रूट सेवन एंड फाइव माइनस थ्री रूट सेवन दीज आर कॉल्ड वर्ड दीज आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ट्स ठीक है दीज आर कॉल्ड वर्ड दीज आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ट्स आर वी क्लियर ऑन दिस ठीक है आगे बढ़े अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि अगर हमको कंपेयर करना है कंपेयर करना है किस को सर्ट्स को जैसे ये दोनों सर्ज हैं इसको अगर कंपेयर करना है जो भी कंपाउंड सर्ज हैं उसको हमको कंपेयर करना है तो हम कैसे करेंगे ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसको हम कैसे करेंगे देखो अब मैं इसको आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ कभी भी कोई दो चीज़ें होती हैं है ना उसको अगर आपको कंपेयर करना होता है तो आप कैसे करते हो मैथमेटिक्स को भूल जाओ अभी अभी मैथमेटिक्स को भूल जाओ आपको कोई भी दो चीज़ कंपेयर करनी होती है तो आप क्या करते हो है ना लेट से आपको देखना है कि आ, कोई एक पर्टिकुलर फ़ोन है है ना लेट से सैमसंग है राइट right? सैमसंग है और दूसरा लेट से उसी आ, दूसरा है लेट से आई है दूसरा है ना अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है है ना इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा अच्छा है या फिर यू you नो know, कौन बेटर है तो आप क्या करते हो आप जनरली क्या स्पेक्स देखोगे इसका है ना आप कैमरा का क्वालिटी देखोगे दोनों का है ना दोनों का आप कैमरा का क्वालिटी देखोगे कि अच्छा यार इसका इतना मेगा है इसका इतना मेगा है बट हो सकता है इसमें ज़्यादा अच्छी फोटो आती हो क्वालिटी कैसी है है ना उसके बाद से आप देख सकते हो कि स्टोरेज कितना है है ना आप देखोगी इस फोन तो, इस में कितना स्टोरेज है और इस फ़ोन में कितना स्टोरेज है दोनों को आप कंपेयर करोगे ठीक है फिर आप डिसाइड करोगे कि कौन अच्छा है ठीक है तो आप एसेंशियली क्या कर रहे हो जब आप कोई चीज़ दोनों चीज़ को कंपेयर कर रहे हो जब आप किसी दो चीज़ को कंपेयर कर रहे हो ये पता लगाने के लिए कि बेटर कौन सी है मैथमेटिक्स को भी भूल जाओ मैथमेटिक्स के कंसेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं हम नॉर्मल चीज़ों के कंटेक्स में बात कर रहे हैं कि अगर आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो कोई भी दो चीज़ों को अभी मैंने फ़ोन का एग्जाम्पल लिया है ना आप कोई भी चीज़ ले सकते हो अभी फ़ोन के एग्ज़ाम्पल में हमने क्या किया कि अगर हमको ये पता लगाना है कि सैमसंग और लेट से नोकिया है लेट से नोकिया है आईफोन छोड़ दो नोकिया है ना सैमसंग और नोकिया में बेटर कौन सा है तो आप कैसे पता लगाओगे आप जब कंपेयर करोगे दोनों को तो आप कैसे कंपेयर करोगे आप कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर लोगे सेम चीज़ लोगे दोनों में कि भाई कैमरा लिया अब कैमरा की क्वालिटी हम देखेंगे दोनों में है ना लेट्स से इसमें तेरह मेगापिक्सल का कैमरा है इसमें चौदह ले सोलह मेगा पिक्सल का कैमरा है है ना तो आप बोलोगे कि ये बेटर है कैमरे क्वालिटी कैमरा क्वालिटी में फिर आप स्टोरेज पे कंपेयर करोगे है ना स्टोरेज पे कंपेयर करोगे आप बोलोगे यार यहाँ पर सिक्सटी फोर जी बी है लैड्स यहाँ पर भी सिक्सटी फोर है है ना तो आप इसेंशली जब दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो आप सेम पैरामीटर पे सेम पैरामीटर पे दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो है ना कैमरा क्वालिटी भी आप कंपेयर कर रहे हो दोनों को तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे नहीं तो एक रैंडम आप इसका कैमरा कैमरा ले रहे हो दूसरे का स्टोरेज ले रहे हो तो थोड़ी कंपेयर होगा है ना दोनों को आपका सेम चीज़ लेना पड़ेगा है ना जस्ट अ मिनट दोनों दोनों का आपको सेम चीज़ देना पड़ेगा तभी आप कंपेयर कर पाओगे राइट तो एसेंशियली क्या है कि हमको क्या करना रहता है हमको सेम एक बेस चाहिए रहता है सेम चीज़ चाहिए रहती जिस पर हम दोनों को कंपेयर करेंगे ठीक है यही होता है मैथामेटिक्स में भी कंपेरिजन में तो मैथेमेटिक्स में क्या होगा अब मेरे को अगर ये कंपेयर करना है रूट सेवन माइनस रूट थ्री एंड रूट एलेवन माइनस रूट सेवन ठीक है इन दोनों में मेरे को बताना है कि कौन ग्रेटर है और कौन लेस uh, है तो मैं क्या करूँगा तो मैं देखूँगा कि इन दोनों में मेरे को कॉमन ग्राउंड क्या मिल रहा है कॉमन ग्राउंड क्या चीज़ मिल रही है कैसे हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि अगर ये तो दोनों दोनों अलग अलग क्वान्टिटीज़ अभी आप आपको दिख रही होंगी है ना बट आपको कुछ ऐसा चीज़ इसमें ढूंढना है दोनों में कि वो चीज़ दोनों में कॉमन हो ऐसी कोई चीज़ जो दोनों में आपको मिल रही हो ठीक है तो कैसे क्या होगा अगर आप देखो कि सेवन माइनस थ्री सेवन माइनस थ्री कितना आता है फोर आता है राइट इलेवन माइनस सेवन कितना आता है वो भी फोर आता है राइट सेवन माइनस थ्री फोर आता है इलेवन माइनस सेवन भी फ़ोर आता है करेक्ट ये एक चीज़ है तो दोनों चीज़ में कॉमन है कि डिफरेंस जो है इन दोनों डिफरेंस uh, जो है इन दोनों क्वान्टिटीज़ का ये जो अंदर लिखी हुई हैं इन दोनों का डिफरेंस जो है वो सेम है दोनों में है ना सेवन माइनस थ्री भी फ़ोर आता है इलेवन माइनस सेवन भी फ़ोर आता है तो हमको ये पता चल गया कि अगर हमको इन दोनों को कंपेयर करना है तो मेरे को कुछ ऐसा लाना पड़ेगा कुछ ऐसा करना पड़ेगा सच दैट ये यहाँ पर फोर फोर आ जाए है ना सच दैट कहीं न्यू कहीं तो फ़ोर आए न्यूमरेटर में आए चाहे डिनोमिनेटर में आए कहीं कुछ तो करके ऐसे फोर लाना पड़ेगा कि ताकि हम दोनों को कंपेयर कर पाए ठीक है सेम चीज़ पे कंपेयर करना है आपको तो मैं क्या करूँगा पहले तो इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करूँगा रूट सेवन माइनस रूट थ्री है अब इसमें मैं क्या करूँगा नीचे रूट सेवन प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दूँगा और ऊपर भी रूट सेवन प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दूँगा ठीक है तो अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास ऊपर है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा दैट इज रूट सेवन स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर दैट इज सेवन माइनस थ्री है ना तो ऊपर आ जाएगा फोर नीचे आ जाएगा क्या रूट सेवन प्लस रूट थ्री करेक्ट ये आ गया अब सिमिलर चीज़ मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ रूट इलेवन माइनस रूट सेवन के साथ भी कर सकता हूँ सिमिलर चीज़ तो यहाँ पे क्या आएगा रूट इलेवन प्लस रूट सेवन इंटू रूट इलेवन प्लस रूट सेवन यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा है ना दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा ऊपर भी नीचे भी यही सिखाया मैंने तो इसमें भी यही आएगा इलेवन माइनस सेवन ऊपर क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा नीचे इलेवन आएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा ठीक है समझ में आ गया दो क्वांटिटीज आ गई क्या क्या आई क्या क्या आई दो कौन सी क्वांटिटीज आई फोर डिवाइडेड बाय रूट सेवन प्लस रूट थ्री और दूसरी क्वान्टिटी आई फोर डिवाइड बाय रूट इलेवन प्लस रूट सेवन ठीक है ये दो तो क्वांटिटीज आई अब इन दोनों को क्या हम कंपेयर कर सकते हैं आप बोलोगे सर अरे अभी भी तो ये है अभी भी तो ये नीचे है अरे बालक ये तो हमको पता है ना कि रूट सेवन प्लस रूट थ्री बड़ा होगा कि रूट एलेवन प्लस रूट सेवन बड़ा होगा ये तो सिंपल सी बात है ना अरे भाई इसमें इलेवन सेवन से बड़ा है और सेवन थ्री से बड़ा है तो ये प्रोडक्ट जो है पूरा जो सॉरी ये जो पूरा सम है वो भी तो इससे बड़ा ही होगा ना सम तो बड़ा ही होगा ना रूट सेवन जो है यहाँ पे क्या है यहाँ पे सेवन और थ्री है है ना दोनों का सम हो रहा है रूट सेवन प्लस रूट थ्री का सम हो रहा है यहाँ पे रूट एलेवन प्लस रूट सेवन का सम हो रहा है दोनों ही क्वांटिटीज इन दोनों से बड़ी हैं है ना तो ऑब्वियसली इनका सम इससे तो बड़ा ही होगा ना करेक्ट न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर किसका बड़ा है डिनोमिनेटर इसका बड़ा है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो एज अ फ्रैक्शन क्या होगा कम होगा सही है ना समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ए बाई बी है और सी बाई डी है या फिर छोड़ो ए बाई बी है और ए बाई डी है इन दोनों फ्रैक्शन को अगर मेरे को कंपेयर करना होगा तो मैं कैसे करूँगा अगर ये मैं डिनोमिनेटर देखूँगा जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसके फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी है ना तो यहाँ पे क्या है ये रूट एलेवन प्लस रूट सेवन जो है ये बड़ा है किससे से रूट सेवन प्लस रूट थ्री से अगर ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो एज अ फ्रैक्शन ये छोटा होगा इसका मतलब बड़ा कौन होगा बड़ा होगा फोर बाय रूट सेवन प्लस रूट थ्री दैट इज़ रूट सेवन माइनस रूट थ्री ये चीज़ बड़ी होगी इसी को ही तो हमने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा है समझ में आ रहा है ठीक है समझ में आ रहा है अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको भी एक बार ट्राई करते हैं करने का कि इसमें हम कैसे कंपेयर करेंगे करेक्ट अभी क्या बोल रहा है रूट एट प्लस रूट सेवन एंड रूट टेन प्लस रूट फाइव अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि क्या कॉमन है आप देखोगे तो एट प्लस सेवन फिफ्टीन आता है करेक्ट और टेन प्लस फाइव भी क्या आता है फिफ्टीन आता है तो इसका मतलब कि इसमें सम जो है वो दोनों का सेम है ठीक है क्या है सेम सम सेम है एट प्लस सेवन फिफ्टीन है टेन प्लस फाइव पंद्रह है ठीक है यहाँ पर डिफरेंस सेम था है ना यहाँ पर डिफरेंस सेम था तो हमने उस टाइप से किया अब यहाँ पे सम सेम है बट हम इसमें वो नहीं कर सकते जैसा हमने इसमें किया क्यों नहीं कर सकते हमने इसमें क्या किया था रूट सेवन माइनस रूट थी था तो हमने इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया रैशनल नंबर लाने के लिए करेक्ट अब अगर हम यहाँ इस चीज़ में अगर हम मान लो रूट एट माइनस रूट सेवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा एट माइनस सेवन दैट इज़ वन और यहाँ पे अगर हम रूट टेन माइनस रूट फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा टेन माइनस फाइव दैट इज़ फाइव तो इससे तो कुछ होने नहीं वाला है है ना तो हमको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें सम आए तो हम क्या करेंगे दो क्वांटिटीज़ अगर हैं ए और बी और दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं अगर ए बी से बड़ा है तो ए का स्क्वायर भी बी से बी स्क्वायर से बड़ा होगा करेक्ट ए स्क्वायर भी बी स्क्वायर से बड़ा होगा राइट स्पेशली इन दी सर्च और ये सारे वन से बड़े नंबर्स हैं है ना अगर ए और बी ए वन से बड़ा है बी वन से बड़ा है है ना तो इसका मतलब ए स्क्वायर इज ग्रेटर ए स्क्वायर भी बी स्क्वायर से बड़ा होगा और ये दोनों ही नंबर जो सर्च हैं ये वन से बड़े हैं हमको दिख रहा है है ना तो हम क्या करते हैं हम ट्राई करते हैं रूट एट प्लस रूट सेवन स्क्वायर करने का ऐसा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमको सम चाहिए है ना हमको सम तभी मिलेगा जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट एट प्लस रूट सेवन का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एट प्लस सेवन आ जाएगा प्लस टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एट इंटू सेवन आ जाएगा दैट इज फिफ्टी सिक्स दिस इज इक्वल टू एट प्लस सेवन फिफ्टीन प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ फिफ्टी सिक्स करेक्ट यह आ जाएगा सिमिलर तरीके से हम क्या करेंगे रूट टेन प्लस रूट फाइव का भी रूट कर दे मतलब स्क्वायर कर देंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा टेन प्लस फाइव प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ मतलब ये रूट टेन इंटू रूट फाइव है ना टू ए बी आता है टू ए बी टू ए बी इज़ टू इंटू रूट ऑफ टेन रूट ऑफ फाइव दैट इज़ फिफ्टी ये क्या आ जाएगा यह आ जाएगा पंद्रह प्लस टू अंडर रूट ऑफ फिफ्टी अब क्या हम इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं आप बोलोगे बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं सर पंद्रह पंद्रह सेम है टू टू भी सेम है बस यहाँ पे रूट में डिफरेंस है यहाँ पे रूट फिफ्टी है यहाँ पे रूट फिफ्टी सिक्स है तो भैया बताओ रूट फ़िफ्टी सिक्स और रूट फिफ्टी में कौन ज़्यादा बड़ा है ऑब्वियसली रूट फिफ्टी सिक्स बड़ा है है ना अंदर जिसका ज़्यादा नंबर होगा वो वो ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा बड़ा क्वान्टिटी कौन सा हो गया रूट एट प्लस रूट सेवन होल स्क्वायर हो गया या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि रूट एट प्लस रूट सेवन इज़ ग्रेटर देन रूट टेन प्लस रूट फाइव क्योंकि दोनों वन से बड़े हैं पॉजिटिव हैं तो इनके स्क्वायर्स भी इनसे बड़े होंगे समझ में आ रहा है ठीक है समझ में आ रहा है अगर टू थ्री से बड़ा है तो टू स्क्वायर जो होगा फोर वो भी तो सॉरी टू थ्री से बड़ा नहीं है मतलब थ्री टू से बड़ा है अगर तो थ्री का स्क्वायर दैट इज नाइन भी फोर से बड़ा होगा दैट इज टू स्क्वायर करेक्ट तो ये ध्यान रखो कि अगर कोई भी नंबर है ए और बी है ना एंड ए इज ग्रेटर देन बी और हमको ये पता है कि ए और बी जो है वो वन से बड़े हैं या वन के बारन बड़े यहाँ पर तो नहीं मतलब वन से बड़े हैं देन ए स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन बी स्क्र ठीक है ए स्क्वायर वुड बी ग्रेटर देन बी स्क्र राइट समझ में आ रहा है ना समझ में आ रहा है न वन से भी क्या बढ़े हो मतलब अगर पॉजिटिव नंबर मतलब है मतलब ए और बी अगर पॉजिटिव नंबर है ए और बी बस पॉजिटिव होने चाहिए है ना पॉजिटिव नंबर होने चाहिए ए और बी अगर पॉजिटिव नंबर है ठीक है और अगर ए जो है वो बी से बड़ा है देन ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर ठीक है समझ में आ रहा है ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर ए और बी पॉजिटिव है देन ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर ठीक है तो उल्टा भी हम ले सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन बी ठीक है तो वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी है समझ में आ रहा है ठीक है तो द बेसिक कंसेप्ट क्या है कि ट्राई टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड यहाँ पे कॉमन ग्राउंड प्लस था कि भाई सेवन प्लस एट फिफ्टीन आ रहा है टेन प्लस फाइव फिफ्टीन आ रहा है और यहाँ पे कॉमन ग्राउंड क्या है यहाँ पे कॉमन ग्राउंड है कि जो माइनस है सेवन माइनस थ्री एलेवन माइनस सेवन ये सेम आ रहा है ठीक है समझ में आ रहा है आगे बढ़ें चलो अब हम एक और कंसेप्ट देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स ये जो कंसेप्ट है इसका नाम है स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स तो तो दो टाइप के सर्ट होते हैं क्वाड्रेटिक सर्ट टाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट ठीक है एक एक करके हम देखते हैं जो हमने ये मिक्स सर्ड पढ़ा ए प्लस रूट बी है ना इसको हम क्वाड्रेटिक क्वाडेटिकर्ड बोलते हैं इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है मतलब ये जो सर्ड है इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो ये ध्यान रखना कि ये जो स्क्वायर रूट होता है क्वाड्रेटिक क्वारेटिकट का इट इज़ ऑफ द फॉर्म जो आंसर आएगा आपका इट वुड बी ऑफ द फॉर्म रूट एक्स प्लस रूट वाई हमको ये पता है कि ये जो रूट ऑफ ए प्लस रूट बी है मतलब ये जो क्वाड्रेटिक सर्ड है ए प्लस रूट बी इसका अगर हम रूट लेंगे तो इट वड बी ऑफ द फॉर्म रूट एक्स प्लस रूट वाई ये आपको पता होना चाहिए ठीक है ये मैं बता रहा हूँ आपको कि इट इज़ ऑफ़ द फॉर्म रूट एक्स प्लस रूट वाई इसी को यूटिलाइज़ करके हम जो है इस इक्वेशन को यूटिलाइज करके हम क्या निकालेंगे अपना आंसर निकालेंगे ठीक है अब यहाँ पर ध्यान रखना कि ए बी एक्स और वाई सारे क्या हैं सारे रैशनल नंबर्स हैं ठीक है अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सारे क्या हैं ये सारे रैशनल नंबर्स हैं समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना कि जो रूट होता है का, प्लस ए प्लस अब इसके बाद जो दूसरी चीज आती है दैट सर्ट ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट कैसा होता है ऐसा ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी प्लस रूट डी दिस इज कॉल्ड ट्राइनॉर्मल कॉडेटिक सर्ड इसका अगर हम रूट लेंगे तो इट वड बी ऑफ द फॉर्म ये किस फॉर्म का होगा रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड ठीक है ये आपको एज इज़ याद कर लेना है कि जो रूट ऑफ ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी प्लस रूट डी होता है इट इज ऑफ द फॉर्म रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड और ये जो रूट ऑफ ए प्लस बी ए प्लस रूट बी का होल रूट होता है दिस वुड बी ऑफ द फॉर्म रूट एक्स प्लस रूट वाई इतना अगर आपको याद हो गया है ना ये आपको लर्न कर लेना है इतना अगर आपको याद हो गया तो इसके आपके क्वेश्चन आप निकाल सकते हो ठीक है यहाँ से ही हमको एक्स वाई जेड आएगा तो बेटर होगा कि हम थोड़ा एग्जाम्पल्स को देखें और ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चन तो लेट्स सी दिस फर्स्ट एग्जाम्पल तो इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट राइट हमको स्क्वायर रूट निकालना है एंड लेट्स सी हम कैसे निकाल सकते हैं इसको तो सेवन प्लस फोर रूट थ्री का हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे इसका हम पूरा रूट निकाल देंगे करेक्ट दिस इज इक्वल टू वॉट दिस इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई दिस इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई ठीक है समझ में आ रहा है दिस इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई अब इससे इस हमको x और y की वैल्यूज निकालनी है ठीक है तो इसको हम क्या करेंगे इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे इसको स्क्वायर कर देंगे इसको भी स्क्वायर कर देंगे ठीक है इसको यहाँ साइड स्क्वायर करेंगे यहाँ साइड स्क्वायर कर देंगे ठीक है तो यहाँ पे क्या जाएगा? 7 आ जाएगा सेवन प्लस फोर रूट थ्री आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट एक्स वाई करेक्ट ये आ जाएगा अब जब हम मैंने आपको बताया था कि सर्ड दो सर्ड इक्वल कैसे हो सकते हैं ये भी एक सर्ड है ये भी एक सर्ड है, है आपको दिख रहा होगा है ना यहाँ पे भी एक रैशनल पार्ट है ये वाला है ना और एक इरेशनल पार्ट है है ना यहाँ पे भी एक रैशनल और इरेशनल पार्ट है ये आपको दिख रहा है तो ये दोनों बराबर कब होंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग रैशनल मतलब इधर करस्पॉन्डिंग रैशनल और इ रैशनल पार्ट्स बराबर हों ठीक है इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस वाई जो है दैट शुड बी इक्वल टू सेवन एंड टू रूट ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू हाउ मच शुड बी इक्वल टू फोर रूट थ्री समझ में आ रहा है ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये टू जा चला जाएगा रूट एक्स वाई कितना जाएगा? XY आ जाएगा रूट एक्स वाई आ जाएगा टू रूट थ्री करेक्ट तो यहाँ से एक्स वाई कितना आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा फोर इंटू थ्री स्क्वायर कर दिया दोनों साइड यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया टू टू जो फोर थ्री आ जाएगा तो यहाँ पे ट्वेल्व आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व आ जाएगा राइट एक्स वाई ट्वेल्व आ गया अब एक्स प्लस वाई इज टू सेवन हमको पता है तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे कोई भी एक रिप्लेस कर दो यहाँ से वाई को लिख दो सेवन माइनस एक्स है ना यहाँ से वाई को लिख दो सेवन माइनस एक्स और यहाँ पे y की जगह सेवन माइनस एक्स डाल दो यह तो आ जाएगा सेवन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज एकवल टू ट्वेल्व तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज एकवल टू ज़ीरो और यहाँ पे ट्वेल्व की जगह फोर और थ्री आ जाएगा राइट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स क्वारटे की सॉल्व करते हैं नॉर्मल प्लस ट्वेल्व इज एकवल टू जीरो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस फोर यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू इज़ इक्वल टू फोर और एक्स इज इक्वल टू थ्री तो दो सॉल्यूशन्स आ गए इसके एक्स इज इक्वल टू फोर या एक्स इज इक्वल टू थ्री है ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर एक्स फोर आएगा तो वाई थ्री आ जाएगा अगर एक्स थ्री आएगा तो वाई फोर आ जाएगा तो कुल मिला के जो दो सोल्यूशन आ रहे हैं इसके वो क्या हैं फोर और थ्री इसका मतलब ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा इसका स्क्वायर रूट होगा रूट फोर प्लस रूट थ्री समझ में आ रहा है इस टाइप से हम चीज़ें निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो रूट्स निकालने आते हैं ना आई आई होप इक्वेशन के रूट्स निकालने आते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है है ना, ना जैसे ए एक्स स्क्वायेर प्लस बी एक्स प्लस सी तो हम क्या करते हैं कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं जैसे ए सी और इसको ऐसे लिखते हैं सच दैट ये जो प्लस बी है ये आ, जो इसको हम ऐसे तोड़ते हैं मान लो इसको ऐसे तोड़ा हमने जैसे मान लो जैसे अभी हमने किया ना ए वन ए टू तो हम इसको ऐसे तोड़ते हैं प्लस या माइनस में सच दैट इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस ए सी एंड इनका जो सम या जो भी आ रहा है सम या डिफरेंस दैट इज़ इक्वल टू बी समझ में आ रहा है जैसे अभी हमने किया ना पीछे अभी हमने इक्वेशन में क्या लिखा 7x 12, है एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व ये हमारी इक्वेशन आई थी राइट right? तो ट्वेल्व के फैक्टर्स हमने निकाले दैट इज़ थ्री एंड फोर ऐसे फैक्टर्स निकाले सच दैट इन दोनों का सम या फिर डिफरेंस ये आ जाए तो ये हमको साइन के साथ देखना रहता है है ना तो यहाँ पे जैसे माइनस सेवन है है ना माइनस सेवन है तो हम माइनस थ्री माइनस फोर करेंगे माइनस थ्री माइनस फोर करेंगे तो माइनस सेवन आ जाएगा और माइनस थ्री इंटू माइनस फोर करेंगे तो ट्वेल्व आ जाएगा सो ट्वेल्व इज नथिंग बट दिस मल्टीप्लाइड बाई इसका कोफिशियंट यहाँ पे वन है है ना तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स कर लिया माइनस फोर एक्स कर लिया और प्लस ट्वेल्व कर लिया तो यहाँ से एक्स आ गया थ्री और एक्स आ गया फोर समझ में आ रहा है अब सिमिलर टाइप से आपको क्या करना है सिमिलर टाइप से ट्राई क्वाड्रेटिक क्वारेटिक को सॉल्व करना है ये थोड़ा लंबा होगा ऑब्वियसली ये लंबा होगा क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे टेन प्लस ट्वेंटी फोर रूट आएगा है ना प्लस सिक्सटी रूट आएगा प्लस फोर्टी रूट आएगा इस पूरे का रूट लेना है आपको है ना इस पूरे का जब आप रूट लोगे तो दैट वुड बी इक्वल टू वॉट दैट वुड बी इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड तो इसमें भी वही सेम सेम तरीका होगा इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे है ना ये पूरे का स्क्वायर करेंगे ठीक है जब ऐसा करोगे आप तो क्या आएगा यहाँ इस साइड क्या आएगा यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे दो का कर लो रूट एक्स प्लस रूट वाई होल स्क्वायर है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए इंटू बी एक तो ये आ जाएगा तो यहाँ से अब आपको निकालना पड़ेगा क्या ए प्लस बी प्लस टू रूट ऑफ़ एक्स वाई प्लस जेड प्लस टू रूट ऑफ़ एक्स जेड प्लस टू रूट ऑफ वाई जेड तो यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टू टाइम्स ऑफ वॉट रूट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड राइट तो अब यहाँ पे ये एक रैशनल पार्ट हो गया और एक ये रैशनल पार्ट हो गया करेक्ट अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से क्या आएगा यहां से आ जाएगा टेन प्लस ट्वेंटी फोर रूट प्लस सिक्सटी रूट प्लस फोर्टी रूट राइट तो समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या क्या आ रहा है यहाँ पे आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया टेन ठीक है और ये जो पार्ट है ये पूरा पार्ट ये पूरा पार्ट किसके बराबर आ गया ट्वेंटी फोर सिक्सटी और फोर्टी के बराबर ठीक है तो इसका मतलब रूट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड दिस इज इक्ल टू इसका ट्वाइस इसका ट्वाइस इज इक्वल टू हाउ मच इसका ट्वाइस इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर सिक्सटी एंड फोर्टी करेक्ट समझ में आ रहा है अब यहाँ से टू टू बेसिकली कट भी जाएगा अगर आप देखोगे तो इससे कॉमन भी आ जाएगा थ्री एट या ट्वेंटी फोर होता है या फिर फोर सिक्स या ट्वेंटी फोर होता है तो यहाँ पे टू कॉमन आ जाएगा है ना तो टू ट्वाइस ऑफ दिस वुड बी ट्वाइस ऑफ रूट सिक्स है ना दिस वुड भी अगर हम यहाँ से फोर निकालें तो क्या आएगा फोर इंटू फिफ्टीन सिक्सटी आता है राइट right? तो यहाँ पे आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ फिफ्टीन और यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर टू टाइम्स ऑफ टेन तो यहाँ पे टू टू कट जाएगा तो यहाँ से आपका एसेंशियली एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड आ जाएगा फिर वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पुराना हमने सॉल्व किया था किसी एक को दूसरे के टर्म्स में लिख देना है ठीक है समझ में आ रहा है ऐसे आप करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है ऑब्वियसली हमारे एन में ये सब कवर्ड नहीं है ये हम थोड़ा एडवांस लेवल चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं आ, क्योंकि हम सिंस आई आई टी के फाउंडेशन कोर्स को पढ़ रहे हैं राइट right? सो so, हमें हर चीज़ आनी चाहिए करेक्ट तो थोड़े लंबे कैलकुलेशन है, है ना थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आंसर आएंगे और करेक्ट चलो अब हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि कैसे हमने क्या क्या इसमें चीज़ें पढ़ी हैं नंबर सिस्टम्स में और हमने क्या क्या इससे सीखा करेक्ट तो व्हाट वी लर्न इज कि अ नंबर आर इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर अगर उसको हम p वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं इफ़ इट कैन बी रिटर्न इन p बाई क्यू फॉर्म वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड p एंड q आर इंटीजर्स राइट दूसरा हमने क्या पढ़ा कि अ नंबर s इज कॉल्ड अ इैशनल नंबर इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो इफ यू कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू दैट आर कॉल्ड इर रैशनल नंबर्स इफ यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स राइट नेक्स्ट कम्स कमज़र डेसिमल एक्सपेंशन हमने पढ़ा हमने देखा कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है दैट इज इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग राइट जबकि जो इैशनल नंबर्स होते हैं इ नंबर्स का क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग राइट टर्मिनेट नहीं कर रहे होते हैं वो लोग है ना नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो रैशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं ना इैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है ना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ये एक्चुअली सेम सेम लिखा हुआ है बट फॉर इैशनल नंबर इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इैशनल नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग राइट मोरबर नंबर एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज कॉल्ड रैशनल नंबर राइट राशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ठीक है ये ध्यान रखना राइट ये सब हमने पढ़ा उसके बाद हमने देखा कि जो रैशनल और इन नंबर्स होते हैं ये मिला के क्या होते हैं ये मिला के रियल नंबर्स बनाते हैं राइट right? और हर एक रियल नंबर एक यूनिक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है एक नंबर लाइन पे राइट एवरी यूनिक पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन राइट देन वी लुक डैट

So we try to create a rational number by multiplying something in the denominator and the same thing has to be multiplied in numerator as well right. So this is how we rationalize a denominator right and then we studied let uh, then we studied about properties of real numbers and exponents right a to the power p into a to the power p q is equal to a to the power p plus q all these identities you have to learn right. So hence uh, we have completed uh, this uh, you know lecture of number system. So thank you so much for listening to whole of these uh, you know all of these lectures of number system so patiently. This was a demo lecture. Obviously this was a demo lecture and we have put uh, you know whole number system course in uh, our website as well on our website as well. So you can watch there as well. Or escape saath we will not be putting up demo lectures because हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है आई टी JA का दैट उसमें हम बाकी सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे इसके बाद जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो हम अपने क्लास में देते हैं एंड फॉर दोस्ट हु आर एनरोल्ड यू नो ऑन आवर वेबसाइट वी प्रोवाइड दैम इन द फॉर्म ऑफ पी सो दिस इज़ हाउ वी रन आर कोर्स एंड इफ यू लाइक दिस कोर्स इफ यू लाइक दैट द वे हाउ वी टीच इफ यू Learned something new, please uh, like, share, subscribe, and also enroll for our foundation courses as well on our website. The name of the website is www.decodeiatcofficial.com And please recommend us to your fellow classmates as well. Thank you so much. I'll see you in the next slide and I'll see you in the next lecture. And until then, bye bye and take care.